नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। खास खबर में आज हम बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय सिरसा के दौरे पर हैं, जहां सीएम जिले के अलग अलग गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम डबवाली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र को 104 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं के इलाके को सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने डबवाली में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कालावली से भी सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रवासियों के सीएम ने सिलसिलेवार मांगे सुनी और उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिखित शिकायत को मंच पर भी मंगवाया और एक एक कर उनके समाधान के निर्देश भी दिए। तो सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय सिरसा के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का 3रा दिन है। इस दौरान उन्होंने आज वाणी से लेकर कालावली तक के बस को हरी झंडी दिखाई है, साथ ही साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। सीएम मनोहर लाल सिरसा के दौरे पर हैं, जहां पर आज उनके दौरे का 3रा दिन है। बता दें कि सीएम ने वाणी से कालावली के लिए बस को हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल जहां पर अलग अलग गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ सीएम डबवाली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र को 104 करोड़ की 9 परियोजनाओं के इलाके को सौगात दी है। साथ ही साथ सीएम खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूं। जिस तरह से अब 2024 की तैयारी की जा रही है, ऐसे में सीएम जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं, किस तरह से देखते हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार, दोनों से देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह से नाराज है। यहां तक कि हरियाणा का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, बैंक वर्ग, सभी वर्ग इससे इतने दुखी है। आपने जनसंवाद का जो बात किया, जनसंवाद के 3 दिन जो कार्यक्रम, उसमें आपने देख लिया। जनसंवाद कार्यक्रम की बात मैं करना चाहूंगा, जब आपने जनसंवाद का जो सवाल किया, जब मुख्यमंत्री ने जनता की समस्या सुननी नहीं थी, तो जनसंवाद रखना ड्रामा रास्ता क्यों? आप देखिए, एक महिला रो रही है, वो कहती है नशे के कारण मेरा पति मर गया, नशे के कारण मेरा बेटा मर गया, मुख्यमंत्री जी नशे का व्यापार खुलेआम हो रहा है, इस पर रोक लगाए, नशा बेचने वालों को पकड़े। मुख्यमंत्री कहते इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये किसी मुकाये में आई, बाहर निकालो। किसान जब अपनी समस्या रखने के लिए जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा, सरसों की परचेज बंद कर दी गई, 25% सरसों खरीदी गई, किसान ने कहा भी नहीं सरसों खरीदने के लिए हमें मिलना है, तो लाठियों और डंडों से किसान ही नहीं उनके परिवार की महिलाओं को दुड़ा दुड़ा कर पिटा, पकड़कर बसों में भरकर उनको थाने ले गए। इससे बड़ा जुर्म हो सकता है? आपके सामने मुख्यमंत्री पूछा जनसंवाद में, भाई कोई भी समस्या है बताइए, इन समस्या कैसे अमल करें ये बताइए, शॉर्टकट में बताए, दो आदमी खड़ा होकर बताए, ठीक है? जब खड़ा होने लगे, ठीक है, लौटूंगी बजरंग दास जी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुकम सिंह भाटी जी भी जुड़ गए हैं। हुकम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप?
देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम है और सभी जिलों तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाना है। अभी अभी लगभग 4 जिलों का ये प्रवास हुआ है और इसमें जनता के साथ कनेक्ट होकर के उनकी समस्याओं को सीधे जानना और उसका निदान करना। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जो शिकायत पोर्टल है और अलग अलग इतने माध्यम तैयार किए हैं जिससे लोग सीधे उनसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के सीधे तौर से उनसे मिलना, अलग अलग सभी विधानसभाओं में लगभग उनके कार्यक्रम रहते हैं तो लोगों से सीधे कनेक्ट होकर के उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्याएं सुन करके उनका निदान। दूसरी बात, उन समस्याओं के आधार पर कोई भी प्रदेश की पॉलिसी में कोई कहीं खामियां हैं या पॉलिसी में कोई परिवर्तन करने हैं, ये सबकी भूमिका तैयार होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बाखूबी करते रहे और अभी ये जनसंवाद कार्यक्रम हमारा हर जिले तक जाने वाला है। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से देखिए आपकी तरफ से भी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जा रही है, अब बीजेपी की तरफ से भी जनसंवाद कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप? बीजेपी लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी का अधिकार है जो अपनी मर्जी से जनता के बीच में जाने के कार्यक्रम बनाए। चौधरी सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा बनाई जो 4200 किलोमीटर की है, सिंगार गांव से कुरुक्षेत्र जाएगी, प्रत्येक हल्के में 3 दिन रुकेगी। ऐसी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है या विपक्ष आपके समक्ष है, लेकिन मैं विशेष तौर पर सत्ता पक्ष की बात करूंगा। देखिए, कोई मन की बात कह रहा है, कोई जनसंवाद कर रहा है, इनका क्या काम है? देखिए, मन की बात हो या जनसंवाद हो, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर अपनी बात मुख्यमंत्री तक रखने के लिए आया है और उसको ये कहना कि आपका कार्यकर्ता है इसको बाहर ले जाओ और पीटो, ये क्या किसी मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं? जनसंवाद है, आप जनता से संवाद करने आए हो, पार्टी का कार्यकर्ता बाद में, जनता वो पहले है, वो आपकी जनता है। आप सर्वोपरि पद पर बैठे हैं, आपकी भाषा तो देखिए क्या है। एक अगर महिला आती है जो कहती है मेरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी है नशे के कारण, उसको कहते हैं किसी बहकावे में आई है, तो ये क्या चाहती है? बस आए जनता और इनकी वाहवाही करें, इनके नारे लगाएं, बस इसी को बोलते हैं जनसंवाद। ये ड्रामेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, अपने भाई को मुबारकबाद भी दूंगा बजरंग दास जी को, और ये बात कहना चाहूंगा कि आज देश और प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस सरकार से दुखी है। जहां जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां वहां कांग्रेस को, जहां क्षेत्रीय दल है वहां क्षेत्रीय दल को जीत हासिल होगी 2024 में जी। इनका कुछ नहीं बटने वाला। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दीपिका जी, जब हम छोटे होते थे तो हम देखते थे एक अनपढ़ मदारी आता है और आके शहर में जगह जगह डुगडुगी बजा के जनता को इकट्ठा करता है और जनता को तमाशा दिखाता है, अपने हाथ की सफाई दिखाता है। सफाई दिखाने के बाद जो पढ़े लिखे लोग उस टाइम के 10वीं 12वीं बीए लोग थे वो भी ताली बजा देते हैं। आज देश में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। और आखिर में क्या होता है? अनपढ़ मदारी झोला उठा के चल देता है। अब कर्नाटका से तो झोला उठ गया, अब हरियाणा से उठने को तैयार है। ये चाहे सोने की ईंटें बांट दे, लेकिन जनता इनकी सच्चाई देख चुकी है। इन्होंने भगवान श्री राम का सहारा लिया, भगवान श्री राम अकेले इनके नहीं है, हमारे भी है। गुरु ग्रंथ साहब जी में भगवान श्री राम जी का पता नहीं कितनी बार वर्णन है। अब इन्होंने कर्नाटका में जाके बजरंग बली का सहारा लिया और मैं तो बजरंग बली को नमन करता हूँ कि उन्होंने दुश्मन की नली तोड़ी। कहते हैं ना, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, वहां तोड़ी उन्होंने। ये हालात ये दर्शाते हैं कि अब जनता इनके धार्मिक बहकावे में आने वाली नहीं है। अब जनता ये देखने वाली नहीं है कि जुमले क्या देंगे, जनता को अपने लाभ आने का पता है। जनता देख रही है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है और ये धर्म की डुगडुगी बजा के जनता को बहकाना चाहती है। अब जनता बहकने वाली नहीं है, 2024 में इसके परिणाम आएंगे। जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं, लेकिन कांग्रेस में बहुत से खेमे बन चुकी है। ऐसी स्थिति में इनेलो ही एकमात्र दल बचता है जो प्रदेश के हितों की रक्षा कर सकता है। मैं मानता हूं हमारा एक विधायक है, लेकिन उस एक विधायक ने सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को बहुत संजीदगी से उठाया।
और ठीक है लौटूंगी आपके पास ओंकार सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। अंतिम चरण में होगी, जनता का मन बदल चुका होगा। बजरंग दास जी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने तमाम आरोप लगाए हैं और आप विपक्ष का काम है कि मुद्दों को उठाना, मैं मानती हूं, लेकिन आपके ही पार्टी से विधायक है डबवाली के अमित सिहाग, उन्होंने तारीफ की है कि जो मांग हमारी तरफ से उठाई गई थी उसे पूरा किया है सीएम ने। देखिए जहां आपने कहा जनता की समस्या उठाने की बात, हम तो शुरू से ही और जनता की आवाज उठाते आ रहे हैं और तुझे कहते अरे सबसे झूठा अगर मुख्यमंत्री देश में कोई हुआ, पहला मुख्यमंत्री नाम है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने हमेशा झूठी राजनीति की, झूठी घोषणाएं की। मैं ये पूछ रहता हूँ, जैसे कर्नाटक चुनाव की बात आई, दीपक जी थोड़ी आवाज ठीक करना, डबल हो रही है, ठीक है, जैसे इन्होंने जिन्हें कर्नाटक चुनाव की बात आई, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का आड़ का नाम लिया, भाई को भाई से बिठाने काम किया, पूरी केंद्र की सरकार, जहां जहां स्टेट के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां की पूरी सरकार अमला जमला वहां ठोक दिया और कहते थे हम बनेंगे, और जहां तक कि वो बाबा हनुमान जी का नाम लेकर वोट की राजनीति करी। मैं कहता हूं जय सियाराम, कर दिया भारतीय जनता पार्टी का काम, जय बजरंग बली, कहते ना तोड़ भाजपा की नली, दोनों काम परमात्मा ने किए, जो अंत अहंकार जो होता है अहंकार रावण का भी नहीं रहा, तो इनका क्या रहेगा। जिस प्रकार इन्होंने प्रदेश के अंदर देश के अंदर किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को कुटा, जिस प्रकार इन्होंने छात्रों को कुटा, जहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को पीटा, भाई ये लोग भूलने वाली दीपिका, इनके राज के अंदर इनकी गलत नीतियों के कारण 13.5 महीने किसान सड़कों पर आंधी तूफान बारिश ओले के अंदर बैठे रहा, 750 किसान शहीद हो गए, किसान के हजारों बेटों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया। ठीक है ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हुकम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। बजरंग दास जी सबको बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए। 2024 हुकम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। चोट का बदला, चोट का बजरंग जी सबको बोलने का मौका देना चाहिए। हुकम जी आप अपनी बात रखिए। दीपिका जी अपने बजरंग दास जी अति उत्साहित हो रहे हैं ये कर्नाटक के रिजल्ट को देख करके। ये जीत हार तो चलती रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है। ये भूल गए हैं कि कर्नाटक इन्होंने जीता है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर निकाय भारतीय जनता पार्टी को आए हैं, इनको बोलने के लिए कहीं स्थान है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। अगर कांग्रेस इतनी पॉपुलर थी तो कर्नाटक में आपने जीत दर्ज की जिसकी लंबी लंबी आप डींगे बघा रहे हैं, जरा उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप। अभी उत्तराखंड में सरकार बनी है, अभी अभी जो है ये सारे का सारा मतलब थोड़े टाइम में आप भूल गए। हरियाणा प्रदेश में जो पिछले लगभग 8 साल से कांग्रेस को जनता ने नजदीक नहीं आने दिया, इनके जो भाई भतीजाबाद क्षेत्रवाद और जिस तरह से लूट का काम कांग्रेस ने किया उसके ऊपर ये डींगे मारते हैं, उसको अपना एक बहुत बड़ा काम दिखा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो इन्होंने झूठी घोषणाएं की हैं, अब देख लेंगे इनका, हमने राजस्थान देखा है, छत्तीसगढ़ देखा है, जहां जनता को इन्होंने झूठे वायदे करके बरगलाया है, जनता थोड़े समय में ही इनको गाली देना शुरू कर देती है। और ये झूठ का सहारा जो और फ्री का कब तक बांट करके देश को बंटाधार करने का काम किया, जो 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 विदेशी जो देश थे जो हमारे से बाद में जो है आजाद हुए वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, इन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये हरियाणा के सपने देखते हैं, हरियाणा प्रदेश में आज जनता समझ चुकी है डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से जो लोगों को फायदा दिया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे दूसरी पेंशन योजना हो, चाहे दूसरी कोई बच्चों के जो है उनके उनके लिए जो योजनाएं हैं, और उसके अलावा पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक ये जान सकता है कि इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगे हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। ये पारदर्शिता किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में की। कांग्रेस को कहां राज आ रहा है? ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है ये सारे का सारा। कांग्रेस बजरंग लाल जी लंबी लंबी बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं? उस भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। वो जो 16 प्लॉट पंचकुला में हुड्डा साहब ने बेच दिया, आज इनके नेता ज्यादातर बेल में है या जेल में है,
ये फिर लंबी बातें करते हैं। कर्नाटक के चुनाव से इतने उत्साहित हैं कि आप जो है बिल्कुल जो अच्छी योजना है उनको भी आप जो है गलत बताने लग गए हैं। मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम है, जन जन तक पहुंचने का संवाद है, ये लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। ओंकार जी पता नहीं कहां से किसको बाहर कर दिया, अंदर कर दिया। अगर कोई शरारती तत्व है मान लिया और वो केवल और केवल राजनीति करता है, जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी की सभा को वो विरोध करना चाहता है, तो उनके लिए जगह थोड़ा भी है? उनके लिए जगह है जो अपनी समस्या लेकर के आए हैं, जो सरकार को बताना चाहते हैं, जिनका समस्याओं का निदान किया जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देता। इनको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए, जो हमेशा लगभग अपोजिशन में रहे, हमेशा जो अच्छे काम होते थे सरकार की तारीफ करते थे और जो नहीं हुआ है उसको सामने रखते थे। अति उत्साहित हो गए हैं कर्नाटक से, गाली गलौज पर उतर आए हैं। हरियाणा प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ओमकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, हुकम जी लौटूंगी आपके पास। ओमकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, आपने हुकम जी की बात को सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जनसंवाद लोगों के असल समस्याएं सुनने के लिए है, अगर कुछ शरारती तत्व घुसते हैं उस कार्यक्रम में तो उनको निकालने का काम किया गया है। दीपिका जी, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये जनसंवाद कार्यक्रम है, ये बीजेपी का संवाद कार्यक्रम है? जनसंवाद में जनता ही तो आएगी, क्या वो मां जिसका बेटा गुजर गया वो जनता नहीं है? वो किसी की कार्यकर्ता है? कितनी गंदी इनकी राजनीति है, कितनी गंदी सोच है इनकी। क्या सोचते हैं कि जो सिर्फ बीजेपी की नीतियों पर विश्वास रखते हैं वही जनसंवाद के लिए आएगी? अगर ऐसा ही करना तो चंडीगढ़ में बैठ के बीजेपी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले लीजिए। अब इनका झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है, 9 साल के करीब हो गए इनको सत्ता में। अगर आप भी इनको जाके खेतों में कणक के दाने गिनने पड़ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने काम नहीं किया। जो व्यक्ति 9 साल से सत्ता में हो, अगर उसने जनहितैषी योजनाएं बनाई हो, जनता के कार्य किए हो, जनता को लाभ पहुंचाया हो, ऐसी योजनाएं बनाई हो जो आमजन सुखी करती हो, तो फिर उस व्यक्ति को वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको वोट उसके काम की बदौलत अपने आप मिलती है। आज ये जो जनसंवाद कार्यक्रम कभी सिरसा कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं इनका दिवालिया पिट चुका है। और इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट है, इनकी जो इस वक्त 40 सीटें है ना, वो 2 या 3 के करीब आने वाली है, सिमट चुके हैं इनके। इनका झोला पैक हो गया है, मदारी अब वापसी जाने के लिए तैयार है, झोला उठाएगा और चला जाएगा। कुछ नहीं किया इन्होंने, इनसे एक ही बात पूछ लीजिए, जो प्रदेश पर कर्ज है वो कर्ज किस बात का है? एक तरफ तो आप कहते हो जीएसटी की रिकॉर्ड रिकवरी हुई, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला बोलते हैं राजस्व सबसे ज्यादा हुआ, शराब में सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए, जीएसटी में स्टाम्प ड्यूटी सबसे ज्यादा इकट्ठी हुई, ये कर्ज किस चीज का है? ये तो पूछिए। कर्ज जो 3 लाख करोड़ पिछले साल तक था और आज ये आंकड़ा तकरीबन 4 लाख करोड़ पहुंच चुका। ठीक है, आपके सवालों के जवाब लेती हूँ मैं। बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके सवालों के जवाब लोगे हुकुम सिंह जी से भी। बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आपने हुकुम सिंह जी की बात सुनी होगी कि हमने जो पोर्टल लॉन्च किए हैं उसमें एक पारदर्शिता लाने के लिए, यानी एक आम व्यक्ति भी देख सकता है कि किस टेंडर में कितना पैसा लगा है, पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऐसे में विरोध क्यों किया जा रहा है? दीपिका जी, सरकार अच्छा काम करेगी तो हम कांग्रेस पार्टी लगा लो, प्रदेश की जनता उसका स्वागत करेगी। इन्होंने एक भी अच्छा काम किया होता तो आज जनता सड़कों पे नहीं होती। ये सरकार सीएम विंडो विंडो पोर्टल पोर्टल खेलती है, 9 साल तक तो इन्होंने फली फोड़ी नहीं, पोर्टल चलते नहीं, सीएम बोर्ड विंडो भी कंप्लेंट लोगों ने की, कोई सुनाई नहीं, कोई समस्या। मतलब आपका कहना है 8.5 साल में सरकार ने एक भी अच्छा काम और योजना नहीं लाई है? मैं बता रहा हूँ जो काम किया वो बता रहा हूँ, जो काम किया वो भी बता रहा हूँ। इन्होंने 8.5 साल के अंदर जनता को लाठियों से पीटने के सिवाय, गुमराह करने के सिवाय, झूठी घोषणा करने के सिवाय कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री भी आपके सामने देखा किस प्रकार कहते हैं, इस साले के जूते मारो, इसको ठाके बाहर ले जाओ। तो एक मुख्यमंत्री ही जनता को उसकी जो जन समाज रखा हुआ सम्मेलन कार्यकर्ताओं का उसके अंदर बुलाया, इस मुख्यमंत्री की साजिश क्या है? सरकार की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं मीटिंग में बुला लो और बाय बाय कर दो,
कर दिया। जनता पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कहा फसल का एक एक दाना खरीद देंगे, अगर फसल खराब हो गई, रंग फेड हो गया, मान लो किसी और पड़ गए। हुकम जी आपके पास आना चाहूंगी, ओंकार सिंह जी के कुछ सवाल थे, तो आप सुन पा रहे हैं आप? आपने सबको 25 हुकम जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है जी? ओंकार सिंह जी आपकी बात जी, बताइए बताइए। ओंकार जी के कुछ सवाल थे आपसे। क्या मैं दीपिका जी सुन नहीं पाया था उन सवालों में, बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही थी, जरा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो मैं अभी जवाब दे देता हूँ जी। बिल्कुल ओंकार जी, अपने सवाल आप पूछिए हुकम जी से। चाहता हूँ ये कहते हैं कि हमारी जीएसटी के रिकॉर्ड रिकवरी, दुष्यंत चौटाला जी बोलते हैं कि हमने रेवेन्यू सबसे ज्यादा इकट्ठा किया, शराब से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू लिया और रजिस्ट्रियों से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू लिया, तो इनका जो कर्ज है वो कर्ज किस बात का है? कहाँ खर्च किया कर्ज को? क्या घी पिया इन्होंने? 4 लाख। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए हुकम जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, 4 लाख करोड़। बजरंग दास जी सुन लीजिए, सुन लीजिए आप, नहीं जवाब सुन लीजिए, मेरे पास समय की कमी है। हुकम जी बहुत ही संक्षेप में आप ये जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास समय। दीपिका जी हमने जो ऋण लिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिया, अगर एक परिवार मकान बनाने के लिए लोन लेता और मकान खड़ा रहता है उसमें वो रहता है और उसके बाद अपनी कमाई को बढ़ाता है तो वो उसकी डेवलपमेंट होगी। कांग्रेस ने LADT लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स जो लोगों की भलाई के लिए था वो पूरे के पूरे इन्होंने तनख्वाह में बांट दिया या भ्रष्टाचार में खा गए उसको। आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में केसेस लंबित है, जो ये जवाब दे दें उस बात का, कहां है LADT बताइए, वो पैसा कहां चला गया? वो कई 100 करोड़ रुपए था, वो पैसा सारे का सारा बहा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो भी लोन लिया गया है, ऋण लिया गया है, पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से प्रदेश की तरक्की हुई है, खुशहाली हुई है। आज ये रोड कहां से आ गए? KMP पर इन्होंने 1 किलो मिट्टी नहीं डाली, दिल्ली चंडीगढ़ रोड कभी बनाया नहीं, कैथल रोड भी समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। ओंकार जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज के लिए फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।